सुपर कीवर्ड, द सुपर कीवर्ड इन जावा इज अ रेफरेंस वेरिएबल विच इज यूज्ड टू रिफर इमीडिएट पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट। ठीक है, सुपर कीवर्ड एक ऐसा कीवर्ड है जावा में, ठीक है, जो एक रेफरेंस वेरिएबल की तरह यूज किया जाता है। ठीक है, रेफरेंस वेरिएबल मीन्स अगर हम लोग किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे एक रेफरेंस रहेगा उस क्लास के ऑब्जेक्ट का, जो कि एक मेमोरी को पॉइंट करेगा। वैसे ही यहाँ पे सुपर कीवर्ड एक ऐसा रेफरेंस वेरिएबल है जिसको यूज किया जाता है रेफर करने के लिए इमीडिएट पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट को। जैसा क्लास ए है, क्लास ए है और उसका चाइल्ड है बी। ठीक है, अगर बी के थ्रू हम लोग को ए को पॉइंट करना है तो हम लोग यहाँ सुपर का यूज करते हैं। तो जनरली पेरेंट क्लास के वेरिएबल, मेथड और कंस्ट्रक्टर को एक्सेस करने के लिए हम लोग सुपर का यूज करते हैं। ठीक है, वेन एवर यू क्रिएट द इंस्टेंस ऑफ ए सब क्लास एन इंस्टेंस ऑफ पेरेंट क्लास इज क्रिएटेड इम्प्लिसिटली विच इज रिफर्ड बाय सुपर रेफरेंस वेरिएबल। जब भी हम लोग सब क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, मीन सब क्लास का ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करते हैं, ठीक है, अगर वो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में होगा तो रेफरेंस किसका क्रिएट होगा, पेरेंट क्लास का भी रेफरेंस क्रिएट किया जाता है। तो उसी रेफरेंस क्लास, सॉरी, उसी रेफरेंस को यहाँ पे हम लोग एक्सेस करते हैं सुपर से। ठीक है, अभी सुपर का यूज क्या है हम लोग देखते हैं। यूसेज ऑफ सुपर कीवर्ड, सुपर कैन बी यूज टू रिफर इमीडिएट पेरेंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल। ओके, सुपर कैन बी यूज टू रिफर इमीडिएट पेरेंट क्लास रेफरेंस वेरिएबल, मीन्स यहाँ पे हम लोग पेरेंट क्लास के रेफरेंस वेरिएबल को यूज करने के लिए यहाँ पे सुपर का यूज करते हैं। देन उसके बाद सुपर कैन बी यूज टू इन्वोक इमीडिएट पेरेंट क्लास मेथड। अगर पेरेंट क्लास मेथड को हम लोग को चाइल्ड क्लास में एक्सेस करना है तो हम लोग सुपर का यूज करते हैं। देन उसके बाद सुपर और स्टेप पर हम लोग फंक्शन ब्रैकेट लगाते हैं, कैन बी यूज टू इन्वोक इमीडिएट पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर। अगर पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को एक्सेस करना है तो हम लोग सुपर का यूज करते हैं। तो जनरली इंस्टेंस वेरिएबल, मेथड्स और कंस्ट्रक्टर तीनों को अगर एक्सेस करना है इमीडिएट पेरेंट क्लास में, मीन्स इमीडिएट पेरेंट क्लास जो होगा उसके इंस्टेंस वेरिएबल, मेथड और कंस्ट्रक्टर अगर हम लोग को एक्सेस करना है तो हम लोग क्या करते हैं, सुपर कीवर्ड का यूज करते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ ऐसा इमेज बना हुआ है। ठीक है, सबसे पहला हम लोग यहाँ देखते हैं, सुपर इज यूज टू रिफर इमीडिएट पेरेंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है, वी कैन यूज सुपर कीवर्ड टू एक्सेस द डेटा मेंबर। वी कैन यूज सुपर कीवर्ड टू एक्सेस द डेटा मेंबर और फील्ड ऑफ ए पेरेंट क्लास। इट इज यूज्ड इफ पेरेंट क्लास एंड चाइल्ड क्लास हैव द सेम फील्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सेम फील्ड रहेगा, सेम फील्ड मीन्स एक कॉमन नेम रहेगा किसी भी वेरिएबल का। इस एग्जाम्पल से हम लोग यहाँ समझते हैं, सबसे पहले हम लोग ने एक क्लास ले लिया एनिमल। ठीक है, यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग कलर नाम का एक वेरिएबल बनाया। ठीक है, डेटा मेंबर हमने बनाया। ठीक है, इसको इनिशलाइज कर दिया हम लोग वाइट। सेकेंड एक क्लास बनाया क्लास डॉग, यहाँ पे हम लोग एक्सटेंड्स एनिमल किए, मीन्स एनिमल को इनहेरिट कर दिए हम लोग इस डॉग क्लास में, डॉग क्लास में इनहेरिट कर दिए। देन उसके बाद इसमें भी स्ट्रिंग कलर हमने बनाया और इसको इनिशलाइज कर दिया हम लोग ब्लैक से। एक और हमने यहाँ पे मेथड बनाया वॉइड प्रिंट कलर और यहाँ पे हमने प्रिंट किया इस कलर को। ठीक है, तो यहाँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे कलर हमने प्रिंट किया है और यहाँ पे एक और हम लोग ने प्रिंट स्टेटमेंट दिया है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन सुपर डॉट कलर, सुपर डॉट कलर। अब यहाँ पे जो ये कलर है फर्स्ट वाला, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी सुपर वगैरह कुछ भी नहीं लिखा है, तो अपने ही करंट क्लास के डेटा मेंबर को कॉल करेगा वो और उसी के जो वैल्यू है उसको प्रिंट करेगा।
लेकिन यहाँ पे सेकंड लाइन पे क्या है, सुपर डॉट कलर, तो ये क्या किसको पॉइंट करेगा, इमीडिएट पेरेंट क्लास को पॉइंट करेगा, और उसके कलर नाम के जो वेरिएबल या फिर डेटा मेंबर है उसको एक्सेस करेगा, मीन्स ये वाला कलर एक्सेस करेगा। सुपर डॉट कलर मतलब ये पेरेंट क्लास को पॉइंट करेगा और पेरेंट क्लास के कलर को एक्सेस करेगा, ठीक है। तो आउटपुट हम लोगों को कुछ इस प्रकार से देखने मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट हम लोग बनाए, ठीक है, एक क्लास ले लिए टेस्ट सुपर वन, देन उसका पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स डॉग डी इक्वल टू डॉग, ठीक है। फिर हमने कर दिया डी डॉट प्रिंट कलर, तो हम लोग को कुछ इस प्रकार का आउटपुट देखते हैं। ब्लैक जो है, ब्लैक किस में प्रिंट हो रहा है हमारा, ये वाला है डॉग के अंदर वाला है, ठीक है। देन उसके बाद वाइट जो प्रिंट हो रहा है वो किसका है, ये सुपर डॉट कलर, सुपर डॉट कलर मीन्स एनिमल, तो एनिमल का ये कलर नाम का डेटा मेंबर को एक्सेस किया और प्रिंट किया। तो अगर हम लोग को सुपर क्लास के किसी भी वेरिएबल को हम लोग को एक्सेस करना है तो हम लोग सुपर डॉट लगा के हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इमीडिएट पेरेंट क्लास का ही करेगा। अगर कोई मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में कोई भी क्लासेस हैं तो मल्टी लेवल में भी इमीडिएट पेरेंट क्लास के ही मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं, और उसके सब मतलब उसके ऊपर वाले लेवल के हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो जस्ट इमीडिएट पेरेंट क्लास के ही हम लोग डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे सुपर यूज करते हैं इमीडिएट पेरेंट क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल को यूज करने के लिए। सुपर कैन बी यूज टू इन्वोक पेरेंट क्लास मेथड। द सुपर कीवर्ड कैन ऑल्सो बी यूज टू इन्वोक पेरेंट क्लास मेथड। इट शुड बी यूज इफ सब क्लास कंटेन्स द सेम मेथड एज पेरेंट क्लास। इन अदर वर्ड्स इट इज यूज इफ मेथड इज ओवर रिटन, ठीक है। मेथड जब ओवर रिटन होगा तभी हम लोग यहाँ सुपर का यूज करते हैं, अदरवाइज वो तो वैसे भी एक्सेसिबल होता है अगर इनहेरिटेंस यूज कर रहे हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास एनिमल हम लोग ने यूज किया, देन उसके बाद इसके अंदर एक मेथड हमने बनाया void eat, और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलाइन लिख के यहाँ पे क्या लिख दिया, ईटिंग। देन उसके बाद एक और हमने क्लास बनाया डॉग, और उसमें एक्सटेंड किया एनिमल को, एनिमल को एक्सटेंड किया। देन उसके अंदर एक और हमने मेथड बनाया ईट, और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलाइन में हम लोग ने ईटिंग ब्रेड यहाँ पे लिख दिया। देन उसके बाद एक और यहाँ पे हमने क्या बनाया, मेथड बनाया बार्क, ठीक है। उसके अंदर यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलाइन लिख के बार्किंग हमने लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद एक और हमने यहाँ पे मेथड बनाया वर्क, ठीक है। अब वर्क में यहाँ पे सुपर डॉट ईट हमने यहाँ पे क्या किया है, कॉल किया है। देन उसके बाद यहाँ बार्क कॉल किया है, ठीक है। सुपर डॉट ईट किसको कॉल करेगा, अपने पेरेंट क्लास के ईट, पेरेंट क्लास के ईट मेथड को कॉल करेगा, और यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, ईटिंग प्रिंट करेगा। देन उसके बाद बार्क है तो ये बार्क वाले मेथड को कॉल करेगा जो डॉग के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। मतलब खुद के ही क्लास के अंदर के मेथड को वो कॉल करेगा, और यहाँ पे प्रिंट कर देगा बार्किंग, बार्किंग यहाँ पे प्रिंट कर दिया। देन आते हैं यहाँ पे हम लोग एक क्लास बनाए टेस्ट सुपर टू, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, ठीक है। हम लोग ने ऑब्जेक्ट बनाया है डॉग का, डॉग डी इक्वल टू न्यू डॉग, देन उसका डी डॉट वर्क, ठीक है। डी डॉट वर्क करके हम लोग इस वर्क को कॉल किए, देन सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है, सुपर डॉट ईट, तो कंट्रोल कहाँ चल जाएगा, यहाँ पे चल जाएगा, ठीक है। एनिमल का ईट नाम का मेथड कॉल होगा और प्रिंट करेगा ईटिंग। देन उसके बाद इसके अंदर है बार्क, ठीक है। बार्क किसके अंदर है, डॉग के अंदर है, तो इस मेथड को कॉल करेगा और प्रिंट करेगा बार्किंग। तो हम लोग को ईटिंग और बार्किंग इस टाइप का आउटपुट देखने के लिए मिलेगा। तो ये था सुपर कैन बी यूज टू इनवोक पेरेंट क्लास मेथड, कैसे हम लोग सुपर यूज करते हैं पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल करने के लिए। ओके, थर्ड है यहाँ पे सुपर इज यूज टू इनवोक पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर। अगर हमें पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को एक्सेस करना है अपने चाइल्ड क्लास में तो हम लोग उसको कैसे कर सकते हैं वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे हमने किया क्लास एनिमल, ठीक है।
और एनिमल नाम का एक कंस्ट्रक्टर हमने क्रिएट किया है, और इसके अंदर हमने प्रिंट किया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एन एनिमल इज क्रिएटेड। ये इसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जिसमें हम लोग ने एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराया है एनिमल इज क्रिएटेड। देन उसके बाद एक और क्लास हमने बनाया क्लास डॉग। क्लास डॉग हमने बनाया, उसमें इस एनिमल को हमने इनहेरिट कर दिया। ओके, देन उसके बाद डॉग नाम का हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। देन उसमें सबसे पहला स्टेटमेंट हमने लिखा सुपर। यहाँ पे हमेशा जो फर्स्ट स्टेटमेंट होगा अगर हमें कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है पेरेंट क्लास के, तो चाइल्ड क्लास के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में सबसे पहला स्टेटमेंट हम लोग को सुपर लिखना होता है। हम लोग अगर बीच में कहीं लिख देंगे तो वो एक्सेस नहीं कर पाएगा और हम लोग को कंपाइल टाइम एरर हम लोग को देखने मिलेगा। तो सबसे फर्स्ट लाइन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। देन उसके बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एरर डॉग इज क्रिएटेड। तो हमने यहाँ पे सुपर उसके बाद इस टाइप का ब्रैकेट लगाया, इससे हम लोग ने इस एनिमल क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को। देन उसके बाद हमने क्लास बनाया क्लास टेस्ट सुपर थ्री, और हमने यहाँ पे डॉग का ऑब्जेक्ट बनाया सिर्फ। जैसे यहाँ पे डॉग का इस ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये कंस्ट्रक्टर पार्ट होता है, तो कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल हुआ तो डॉग के इस क्लास पे चले जाएगा और इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। तो सबसे पहले किसको कॉल करेगा, सुपर को कॉल करेगा। सुपर को कॉल किया तो सुपर किसको कॉल करेगा, इस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा जो इस एनिमल क्लास के अंदर बना हुआ है, और प्रिंट करेगा एनिमल इज क्रिएटेड। देन उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, और यहाँ पे प्रिंट कर देगा डॉग इज क्रिएटेड। ठीक है, तो आउटपुट हम लोग को मिलेगा एनिमल इज क्रिएटेड और डॉग इज क्रिएटेड। तो इस टाइप का हम लोग को आउटपुट देखने मिलेगा एनिमल इज क्रिएटेड डॉग इज क्रिएटेड। ओके, तो यहाँ पे अगर मान के चलो कोई भी पेरेंट क्लास रिलेशनशिप है, ठीक है, उसमें हमने सुपर नहीं लिखा है, तो यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है सुपर इज एडेड इन ईच क्लास कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली बाय कंपाइलर इफ देयर इज नो सुपर और दिस। ठीक है, अगर हम लोग कुछ एक ऐसा पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप यूज कर रहे हैं, यहाँ पे इनहेरिटेंस हम लोग यूज कर रहे हैं, तो उसमें अगर हम लोग सुपर का यूज नहीं करते हैं और ये ओवर रिडन मेथड होता है या ओवर रिडन इंस्टेंस वेरिएबल होता है या फिर कंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है, तो कंपाइलर बाय डिफॉल्ट सुपर उसमें ऐड कर देता है। जैसा कि दिस में होता था, दिस भी अगर हम लोग नहीं लिखे तो वो ऑटोमेटिकली ऐड कर देता था कंस्ट्रक्टर के केस में, वैसा ही यहाँ पे भी वो क्या करता है सुपर बाय डिफॉल्ट ऐड कर देता है। ओके, तो इस प्रकार से ये सुपर कीवर्ड काम करता है। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, एक क्लास यहाँ पे हमने बनाया, सेम एग्जांपल लिया लेकिन वहां पे हम लोग ने सुपर यूज नहीं किया है। ठीक है, एक क्लास हमने लिया है क्लास एनिमल। ठीक है, क्लास एनिमल, यहाँ पे एनिमल नाम का हमने कंस्ट्रक्टर बना दिया है और उसमें प्रिंट कर दिया एनिमल इज क्रिएटेड। ठीक है, सेम है लेकिन यहाँ पे हम लोग ने सुपर यूज नहीं किया है। ठीक है, जब हम लोग इस डॉग डी का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और डॉग के कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं, तो यहाँ पे सुपर बाय डिफॉल्ट ऐड हो जाता है। इस पिछले एग्जांपल में हमने क्या किया था, सुपर को यहाँ पे लिखा था। ठीक है, अब इस प्रोग्राम में हम लोग ने नहीं लिखा है, इस प्रोग्राम में हम लोग ने नहीं लिखा है, तो बाय डिफॉल्ट क्या करेगा कंपाइलर, उसको ऐड कर देगा और इस एनिमल क्लास के इस कंस्ट्रक्टर को भी कॉल करेगा जो कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये सिर्फ और सिर्फ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के लिए ही होता है। अगर वहाँ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है तो पैरामीटर्स पास करने होते हैं हमें, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग सुपर का यूज करते हैं। यहाँ पे हमने क्लास बनाया पर्सन। ठीक है, उसके अंदर एक वेरिएबल हमने ले लिया आई डी, देन उसके बाद एक और वेरिएबल लिया स्ट्रिंग नेम। ठीक है, और हमने एक यहाँ कंस्ट्रक्टर बनाया है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे दोनों को हम लोग इनिशियलाइज कर रहे हैं इंट आईडी स्ट्रिंग नेम। ठीक है, दिस डॉट आईडी हमने यहाँ पे
और यहाँ पे सेम नेम लिया, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, दिस लगाएंगे, दिस डॉट आई डी इक्वल टू आई डी, दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम, ये हमारा क्लास पर्सन बन गया। देन उसके बाद हमने एक क्लास बनाया एम्प्लॉय, ई एम पी, इसमें इनहेरिट कर दिए हम लोग पर्सन को, पर्सन को इनहेरिट कर दिए, तो ये सारा जो यहाँ डेटा मेंबर है आईडी और नेम एक्सेस होगा यहाँ पे भी। अब यहाँ पे हमने एक डेटा मेंबर बनाया फ्लोट सैलरी, देन उसके बाद यहाँ पे हमने क्या दे दिया एम्प्लॉय, और यहाँ इंट आईडी, स्ट्रिंग नेम और फ्लोट सैलरी, तीनों हम लोग इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशलाइज कर रहे हैं। अब यहाँ पे दो जो आईडी और नेम है वो किसके अंदर है, इस पर्सन के अंदर में, ये दोनों एक्सेसिबल कहाँ पे होंगे, इस एम्प्लॉय में भी एक्सेसिबल होंगे, ठीक है। तो हम लोग अगर इसको इनिशलाइज करना चाहते हैं तो हम लोग कैसे करेंगे, सुपर लिखेंगे, ये हमारा क्या है, कंस्ट्रक्टर है, किसका कंस्ट्रक्टर है, ये वाला कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, हमने उसको सुपर से एक्सेस किया है, और इसके अंदर दो पैरामीटर हमने दिया है, कौन कौन सा, ये आईडी और नेम। अब ये स्टेटमेंट जो है वो किसको कॉल करेगा, इस पर्सन के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, और ये आईडी और ये नेम जो है ऐसे पैरामीटर पास करेगा इस आईडी और यहाँ नेम में, और ये क्या करेगा, उसको इनिशलाइज कर देगा। देन उसके बाद यहाँ दिस डॉट सैलरी इक्वल टू सैलरी, मतलब इस सैलरी जो है यहाँ से जो भी आ रहा है, ठीक है, वो यहाँ पे इनिशलाइज कर देगा। तो हम लोग पेरेंट क्लास के आईडी और नेम जो हमारे पास डेटा मेंबर है उसको हम लोग सुपर कीवर्ड के थ्रू उसको इनिशलाइज कर लिए, ठीक है, रीयूजिंग पेरेंट कंस्ट्रक्टर। हमने ऑब्जेक्ट किसका बनाया है, ईएमपी का ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। उसके बाद हमने एक मेथड भी बनाया है यहाँ पे void display, जिसमें हम आईडी नेम और सैलरी को प्रिंट कर रहे हैं। अब हमने यहाँ पे एक बनाया टेस्ट सुपर फाइव नाम का क्लास, इसमें हमने मेन मेथड बनाया और यहाँ पे ईएमपी e1 इक्वल टू न्यू ईएमपी, और यहाँ पे हमने 1 अंकित और 45,000 f यहाँ पे हमने वैल्यू दे दी है, ठीक है। तो 1 किस में चले जाएगा, 1 जाएगा आईडी में, ठीक है, अंकित किस में जाएगा, अंकित जाएगा इस नेम में, 45,000 किस में जाएगा, इस सैलरी में। तो 45,000 जो सैलरी वाला है वो तो यहीं पे इनिशलाइज हो जाएगा, ठीक है। अब आईडी और नेम जो है वो सुपर के थ्रू कहाँ पे जाएगा, इस पेरेंट क्लास में चला जाएगा, पेरेंट क्लास में जाएगा आईडी में और नेम में, और यहाँ पे आईडी इक्वल टू आईडी में चले जाएगा, नेम इक्वल टू नेम में चले जाएगा। तो इस प्रकार से आईडी और नेम इनिशलाइज हो गया। अब यहाँ पे जो आईडी और नेम जो है, ठीक है, वो ईएमपी में भी एक्सेसिबल है, तो यहाँ पे हम लोग उसको डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं, void display system.out.println id name salary, ठीक है, ये एक्सेसिबल है। यहाँ पे कोई भी overridden यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं, override हम लोग यहाँ यूज नहीं कर रहे हैं कोई भी डेटा मेंबर को, कोई भी मेथड को, तो हम लोग यहाँ डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। अगर दोनों का नेम सेम रहता, मान के चलो ये आईडी है, यहाँ पे भी एक आईडी होता, तो हम लोग सुपर यूज करते हैं। अगर दो हम लोग के पास मेथड होते, दोनों का नेम सेम होता, मतलब ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट वहां पे यूज हो रहा है मेथड और इंस्टेंस वेरिएबल के केस पे, तो हम लोग वहां पे सुपर का यूज करते हैं, अदरवाइज हम लोग सुपर का यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे हम लोग सुपर का यूज किए हैं पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए, तो हम लोग को कुछ इस प्रकार का आउटपुट देखने मिलेगा, 1 अंकित और 45,000।